घर कब्जा करने आया हूँ किचन। आंटी मुझे अपने घर जाना है भाई, एक ही चक्कर है, घर पे वीडियोस नहीं देख रहे। आलू के पराठे रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो नहीं होता भाई। ऐसे तो नहीं होता है। आलू के चालू मियां कहां गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने टांग मारे रो पड़े थे। बिल्कुल ऐसे ही अंकल ने सुना नहीं, हेडफोन लगाए थे भाई। पराठे वाकई अच्छे बन गए यार हैं। कैसे बना गया तुम बताओ, कैसे बने भाई? मजेदार। वेलकम बैक हो गया जी, अज फिर तुहाडे रोजे कि चलन डे। पहले तो मैंने ये थे कमेंट करके जल्दी तो जल्दी दस दो। दूजा काम तुम यह करना कि चैनल सबसक्राइब करना, चैनल सबसक्राइब नहीं कर रहे वेख के वीडियो तितर हो जाने। सबसक्राइब किने करना, मैं करना, मैं तो किया ही होया। सो सबसक्राइब करो जल्दी तो जल्दी। तो बाकी डकी भाई अज गया, पहला उन्हें खुद इफ्तारी की बनाई तैयार की, फिर वो घरवाली ने की, वोटी ने की, फिर हूँ वो चला गया अपनी वोटी दे मम्मी पापा दे घरे। ठीक है, तो हूँ वो जाके उत्थे कहिंदा वी इफ्तारी कराऊगा उन्होंने लिए, उन्होंने लिए बनाएंगे दोनों जने रल के। मे बी आई डोंट नो व्हाट अबाउट दैट, बट देखते हैं कि होगा इस वीडियो। बस तुम चैनल सबसक्राइब किए बिना वीडियो नहीं देखनी, सबसक्राइब कर लो। आज देखिए होए होए, बच्चा नंबर वन, बच्चा नंबर टू, बच्चा नंबर थ्री है, तीन तीन बच्चे ढकी भाई। अच्छा ये उन्होंने घरे है, ठीक है। ओ रूप दे पापा बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक, अल्लाह का शुक्र। आंटी आज मैं ना आप लोगों के घर कब्जा करने आया हूँ किचन। आंटी उधर मम्मा नु आंटी कह रहे हैं, मम्मा क्यों नहीं कह रहे, मम्मी क्यों नहीं कह रहे भाई, आंटी क्यों कह रहे भाई? साढ़े तो इधर मम्मी ही कहते हैं, मतलब जिदे व्याह होया मम्मी थोड़ी मम्मी। अच्छा इन्हें दे आंटी कह रहे हैं। मैंने रुको कहा था कि आज हम बनाते हैं सहरी है, ठीक है। फिर हो गया था। हाँ। बड़ा ओपरा ओपरा जा नहीं लगता आंटी अंकल कहना, मतलब एक मम्मी पापा तुसी कहने हो, एक बॉन्ड फील होता है कि हाँ ये भी तुसी भी मेरे मम्मी हो। मैं तो बड़ा और जा लगन दिया यार, तो सबसे कीमती चीज अरूप ले गया था। अंकल आंटी की बारी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 3 बज चुके हैं और हमारे पास तकरीबन सिर्फ घंटा है। घंटे में क्या बन सकता है? क्या खाओगे भाई, क्या खाओगे? घंटा नाले 6:20 ते इफ्तारी दा टाइम नहीं हुंदा। कहते हर रोज एक एक मिनट जो अगे वादा रहा है, तो घंटा कि तो घंटे से तो 4 बजूगा, हजे 4 बजन गए, 6 बजे 3 घंटे पे हजे तो यार। चलो होगा कोई साहब, क्या खाओगे? मुझे अपने घर जाना है। अपने घर ही आओ, आलू के पराठे। हाँ। आंटी आपने हमारा सास बहू वाला ऐड देखा, खीर वाला? नहीं देखो मैंने। अंकल कहते यार ये भी अंकल कह रहे हैं हद हो गई है भाई, एक ही चक्कर है। कैसी बनाई? नहीं नहीं, देखे बाबा खीर कैसी लगी? आंटी ने मेरे व्लॉग्स देखना छोड़ दिए हैं। हां व्लॉग्स नहीं देखना, ठंडे हो गए हैं। बस हम नहीं बात करते भाई, आप देख रहे वीडियोस नहीं देख रहे। आलू के पराठे बनाए जाएं, ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम जो है ना है सिर्फ तकरीबन 2:45 हो चुका है और तकरीबन 4:45 को जो है अजान हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट है। तो पता नहीं कैसे बनाने आलू के पराठे। हाँ, आलू को समोसा जो हमने समोसे के अंदर मिक्सचर डाला था ना, जब हमने समोसा पट्टी की देगा पराठे के अंदर डाल देना बस। लेकिन मसला वहाँ पे आएगा कि पराठा गोल रोटी कैसे बनाओगे, बिकॉज वो मुझे भी नहीं आती बनाने। तुम्हारे पराठा कितना मुश्किल होता है, उसका मटीरियल अपने अंदर भरना, फिर एक और उसके ऊपर रोटी आती है, फिर उसको चिपकाती। तो अरूप तुम अब मम्मी डैडी बच्ची नहीं रही, ये रोटी गोल करना, रोटी रोल करना ये तुम अब सीख लो, ठीक है। ये अगर कोई छोटी 2-3 साल की बच्ची मुझे कह रही होती तो समझ में आती है, मुझे ग्रोन 40 साल की औरत अगर मुझे आके कह रही हो रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो नहीं होता भाई। ऐसे तो नहीं होता है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे बर्तन कहाँ कहाँ पड़े हैं, मुझे एक जल्दी है पतीला दे दो, आलू वगैरह दे दो ताकि मैं छीलना तो शुरू करूँ ना भाई, और ये केला मैं खा लूँ कोई माइंड नहीं करेगा। ओए होए होए होए, बड़ा छोटा केला। आलू के परांठे के लिए जो है हम लोगों ने आलू पकड़ लिए हैं, थैला पूरा, ठीक है। अच्छा आलू के पराठे कितने लोगों ने खाने और हमने कितने आलू छीले? आलू से मुझे अपनी बचपन की वो कहानी याद आ गई। आलू के चालू मियां कहां गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने टांग मारे रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे, हंस रहे थे। की हो गया मेरे, ऑल गुड।
मेरे ख्याल से 5 आलू बहुत हैं, आलू धो लेते हैं पहले। वैसे तो ये वही रेसिपी है जो हम लोगों ने जो है समोसों के अंदर डाली थी, लेकिन मेन चैलेंज जो लेवल का आएगा ना वो है कि इसको रोटी के अंदर कैसे डालें, क्योंकि हमसे समोसे भी नहीं बन रहे थे। सही बताऊं तो समोसे की ट्रायंगल भी नहीं हमसे बन रही थी। रोटी का गोल तो फिर और ही लेवल का होगा। मेरा किचन तबाह कर दो तुम। मेरा किचन बनाना कुछ आंदा नहीं, मेरा किचन नाइस एडिट। तो आलू हमारे जो है छिल चुके हैं, ठीक है। अब इनके जो है ना हमने छोटे छोटे पीसेस करने हैं। और अल्लाह तोड़ दो फेंक दो मेरा किचन में सब तोड़ दो बस। बिल्कुल चुप। तो ये हो गए हमारे आलू के पीसेस। आलू के पीसेस करने की समझ नहीं आई मुझे, अगर अभी तुमने छीलना ही है बाद में पीसना ही। जब आलू के छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे तो उबलने में आसानी होती है ना अंकल, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अंकल ने सुना नहीं है, हेडफोन लगाए हैं। सुन रहे हैं। अभी आलू के पीसेस हो गए हैं, ठीक है। इनको हम ट्रांसफर कर लेते हैं जी इस प्याले के अंदर। बाबा दही वाले की जो है ना चेक कर रहे हैं, अभी दही ले गए हैं बाजार से और चेक कर रहे हैं कि दूध वाले ने स्कैम तो नहीं कर दिया है। नहीं ठीक है, पूरा ही है, किलो है। क्रेजी, पूरा किलो पूरा है, पूरा है। तो अब जो है ना इसमें भर लेते हैं पानी, ठीक है। उबालने के लिए चूल्हा लगा दो भाई। तो जब तक आलू उबल रहे हैं ना हम लोग जो है ना मसाले साइड पे कर लेते हैं, ताकि एक ही बार जो है ना आलू के मिक्सर में डाल दें। क्या क्या पड़ा हुआ है वैसे? कोई खाने की चीज दे दो यार, कोई बिस्किट बुस्किट, कोई चॉकलेट वॉकलेट ही पड़ी। सर तुम शरारते कर रहे हो, मैं कह रही हूँ सहरी में 15 मिनट रह गए हैं और ऊपर से छोटे बच्चों की स्नैक्स है वो यार। सच केला किदा खा गया? हाँ नाले रोजे विच तो कुछ खाना नहीं हुंदा कि फ्रूट्स खा सकते हो? ओके नाउ दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी पुरी न्यूट्रेला पुरी है कोई? अल्लाह वो छोटा बेबी खाता है, उसको ब्रेड ब्रेड पे लगा के देना। चॉकलेट खा लो सा मेरे छोटे बेबी। एक चम्मच खा दो यार प्लीज भाई। ओए ओए खोलो छोटे घर के बच्चे हैं, उनके लिए खाना मत खाओ। तो अरुप अब एक और बच्चा आ गया ना तुम्हारे घर पे, कभी कुछ कर रहे हो, कभी किसी दराज में जा रहे हो, कभी किसी दराज में जा रहे हो, तो हाल होती है यार। आप थोड़ा सा तो आलू जो है हमारे पीसना शुरू करें यार। कोई प्लेट दे दो यार, ये दे दो फटाफट। ओए ओए आलू, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मसाले डालने हमारे अपने सीक्रेट मसाले जो किसी को भी नहीं पता। पहले इसको पीस लेते हैं अच्छे से, ठीक है, आलू को, ठीक है। एक बार फिस जाए इसके बाद जो है तो ये हमारा मैश पोटैटो रेडी है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डाल लेते हैं एक चम्मच नमक, बहुत ज्यादा तो नहीं डाली है, कम कर लेते हैं। आधा चम्मच जो है ना हम लोग इसके अंदर डाल लेते हैं जी लाल मिर्च का पाउडर। तो यार ये है क्यूमिन, ठीक है, ये भी डाल लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये आधा चम्मच डाल लेते हैं बस इतना। ये क्या हल्दी है? हाँ। और ये भी डाल लेते हैं, थोड़ा डालना है बस, लेवल टेस्ट हो जाता है। हल्दी परांठे आज चलो अब हम लोग डाल लेते हैं जी इसके अंदर गरम मसाला। ऐसे नहीं फोन है, चलो जी अच्छे से इसको जो है मिक्स मार लेते। मुझे तो लग रहा है रूप बहुत ज्यादा मसाले डाल दिए हैं, आलू कम है। हां सुखी मिर्ची पा भाई, कौन जी पा, साबुत धनिया पा, ये स्वाद है। हाय अल्लाह साहब, क्या मतलब, क्या मतलब? रुक गए अब, आज मुझे लानत मिलने वाली है तो मुझे तुम्हारी मम्मा से भाई। ये मसाले से इतने तेज कर दिए हैं कि मम्मा अब उसको रंग ही लाल हो गया है। जैसे जो है ना मसाला दार डाल गया है, लेकिन आंटी रेस्क्यू पे आ गई हमारे जो है ना, उसमें कुछ डाला जो मम्मा ने रेस्क्यू कर लिया तुम्हें आज। जब वो प्रोफेशनल बन जाएगा ना तो फिर मैं भी, जब मैं अपने आलू की पराठे की शॉप खोलूंगा फिर दो आलू और उबाल के इसमें डाल देते तो बैलेंस हो जाता, लेकिन अभी दो आलू उबालने का टाइम नहीं है। एक आलू सामने उसी को डाल दो बीच में।
नहीं शौहर से ऐसे बात कर सकते हैं ना, शौहर कर सकते हैं ना, बीवियों को थोड़ा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग पॉइंट टू बी नोटेड भाई, नोटेड। लेट्स सी के साथ किसना, ओहो हो प्रो, पहले साथ में पाउडर बिछाया है, बिस्मिल्लाह इतना तूने छोटा पेड़ा लिया है ना, ये मेरे घर के बच्चों ने खाना है। पहले क्या करना है रूब, मुझे क्या पता, मेरे ख्याल से मैं ठीक बना रहा हूँ। घर का काम आता है, यहाँ पे हमने चूल्हा चला दिया है और यहाँ पे रोटी बन रही है। 15-20 मिनट रह गए हैं, एक साथ भी क्विक मेरे ख्याल से ये ना चिपक रही है इसके साथ। रूब भूल नहीं हो रही, यूट्यूब में जितनी भी लड़कियां हैं किसी को भी नहीं आती। अच्छा इसको ऐसे करके पहले ठीक है, और फिर इसको ऐसे ठीक है, ठीक है, ऐसे सही है, फिर ऐसे करके ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ये बस चंगी तरह बंद करो, चंगी तरह बंद करना, ऐसे ही हमने इसको बंद करो पहले यार, बंद वो नहीं ना, वो चोंच नहीं है ना इसकी, इसका जो है ना छोटा सा पेड़ा बना के इसके ऊपर ऐसे करके रख लेते हैं। कुछ नहीं होता, शेर की खैर है, लेकिन बस फ्लैट हो गया ना, मैं तो कहता हूँ अब इसको रख लेते हैं हम उस पे, ठीक है, ये बस जैसा है वैसा ही रहेगा, अब इसको कुछ चेंज हो नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है, कोई मसला नहीं, लग गया है पकड़ते हैं, नहीं यहाँ काम नहीं, ऊपर ते क्यों ना पाया करो पहला यार, जहाँ पे आपका भाई चाइनीज जापानीज थाई हर टाइप का फूड बनाना आता था, आप रोटी भी बनाने आ गई है भाई, proud of you आलू वाला पराठा रेडी है। अच्छा वो अपनी रोटियां ले आए, उनको साथ में ट्रस्ट नहीं था, सारे बंदे रोस्ट करदे आ ते जिन्ने भी आसे पासे वाले आ सच्ची इहनू ना बहुत हल्के च लैंदे आ सारे। बिस्मिल्लाह, बारिश शुरू हो गई है, अब तक साथ मुझे लगता है प्रो हो चुका है, अब शेप भी बिल्कुल ठीक निकलेगी। एक भाई तू भी बना ला, दूसरा पराठा भी बन जाए बस जल्दी से, इंशाल्लाह यार जाने शुरू होनी है साल। कट पाया भाई, कट पाया, वाओ सातो। डैडी देखे मैंने कितना लेवल का स्टार शेप का, मैंने डायनासोर की शेप का पराठा बनाया, ये शर्मा रहे हो थोड़ा यार, मैं पता नहीं क्यों लग गया, लेकिन चले आंटी झूठ बोल रही है, चंगा नहीं है, मजेदार है,
सात? हाँ ये तुमने बनाया? हाँ तुम्हारे सामने बनाया। एक सेकंड मैं भी खा के देखूं ये झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे कहीं। ओह माय गॉड ओए साजी बहुत मजे के यार। थोड़ा बहुत शायद नमक ज्यादा है अभी भी। नहीं 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 है भाई, पराठे वाकई अच्छे बन गए यार हैं। कैसे गया। तुम बताओ कैसे बने भाई? मजेदार बहुत मजे का। मैडम आप भी ये ट्राई करें और बताएं कि कैसा है साथ में बनाया। ट्राई एंड टेल मी। आलू का पराठा? हाँ ये चीजा नहीं दिखाने चाहिए पर्सनल ना। वैसे ये साथ में बनाया। चलो नहीं करो अल्लाह की कसम। कैसा है? आई थिंक ये इदी भाभी होएगी ना जवाक सारे उन्होंने। बोल यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम शर्म कर लो, तुमसे ज्यादा टेस्ट तुम्हारे शौहर के हाथ में। शौहर के हाथ में भी? अच्छा 10 में से 10 कितना? 10 में से 10 10 में से 10 ये रेटिंग है। चलो वापस कर दो, मैंने भी खाना है। मम्मा पराठा हो गया ना बेटा, आप बताओ कैसा है? मजेदार। तो तुक्के से जो है ना आलू के पराठे पता नहीं कैसे मजे के बन गए हैं। आंटी को पसंद भी आ गए हैं, लेकिन आंटी बहुत तुक्के से बने हैं। हमने तो ऐसे ही बस एमी जल्दबाजी में मसाला डाल दिया। तुक्के वाली चीजें कितनी मजे की? बहुत। आंटी 10 में से नंबर दें। 10 में से 8। अंकल 10 में से 9.5। ठीक है, मैं भी क्या खा किदा रहा है यार। ठीक है ठीक है, ओके। मैंने लगे इफ्तारी है। थैंक यू सो मच, सॉरी मैंने आपका किचन थोड़ा बहुत गंदा वंदा कर दिया, लेकिन कोई नहीं, कोई कमी बेशी रह गई हो तो माफी है। कमी बेशी तो कोई नहीं थी, ज्यादा ही मसाला था। कमी मसाला, लेकिन आंटी ने जो है ना मुझे तरीका बताया कि आप मसाला ज्यादा डाल दे तो ब्रेड डाल दो अंदर। है चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अरू को मैं बस ले आता हूँ। चले ख्याल रखे। 20 minutes later करके जो है रूखे घर से फारिग हो गए। वैसे हमें चाहिए था लस्सी भी बना के देते, ठीक है चाय भी बना के देते, रायता बना के देते। टाइम नहीं था ना यार असल में। यार असल में आप बड़ी जल्दबाजी में। अच्छा सवेर का टाइम सही है, पौने तीन। ठीक है ठीक है। अच्छा ना, वैसे मैं जो भी बनाता हूँ अच्छा बनता है। अब तुम लोग स्क्रीन चार्ट के देख रहे हैं, जब पराठे का सीन आएगा ना तो वहाँ पे शाबाश तेरे। सो गाइस ये सीखिए, देख वीडियो के अंदर स्क्रीन चार्ट के देख लो परांठा का टेस्ट क्या हो जाए। भाई मैं तेन चटन लगा तो ही चट के देख लो, उसकी ज्यादा बड़े फैन होता एडे वे है ना। सो एनीवेज वीडियो कैंट से भी मजा आया मैंने वीडियो देख के, थोड़ा कितना कितना कमेंट करके जरूर दस्यो। पर वो अंकल आंटी कहते वो मैंने थोड़ा जहा ऑड लगा यार, तुहाडे शायद उधर पाकिस्तान सारी फैमिलीज के इदा कहा जाता जां सिर्फ ये कह रहे जां किते किते कहा जाता, वो तुसीं मैनूं थले कमेंट करके दस दिओ। मैंने पहले लगा कि शायद इन्हें रोज़ा नहीं रखे भाई, इन्हें इफ्तार तो पहले ही वो खा रहा है। सो मेरे ख्याल फ्रूट वगैरह कुछ नहीं खा सकते, ईवन के पानी का नहीं मैंने पता, पानी भी नहीं पी सकते शायद, है ना। तो ऐसी आई थी एक वीडियो, बाकी तुहानू कि वीडियो मैंने थले कमेंट करके जरूर दस्यो। मिलते हैं अगले व्लॉग, सत श्री अकाल।